अच्छा देखो सब कुछ नहीं बिगड़ा है, यहाँ पर मुझसे गलती हो गई, लेकिन इस शहर में और भी अनाथ आश्रम है, वहाँ जाएंगे और वहाँ बात करेंगे। हाँ, ये कहना कितना आसान है जीजू आपके लिए, लेकिन एक बार मेरी जगह आकर देखो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि पापा ने आपकी झोली खुशियों से भर दी है। कुछ ही दिनों में आप बाप बन जाएंगे, लेकिन बच्चे की तरसने वाली वर्षा का दुख आप कभी नहीं समझ पाएंगे, कभी नहीं। ताई जिंदगी में आज तक मुझे कभी भी रोना आता था तो मैंने तेरे कंधे का सहारा लिया। मेरी जिंदगी की छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात हर बार तुझसे शेयर की है, लेकिन अब बस, अब मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगी, क्योंकि मैं समझ गई हूँ जिसके साथ मैं अपने सपने बांटा करती थी उसी ने मेरे सपनों को तोड़ दिया। मर्शु, मैं अब मैं तेरा जिंदगी में कभी भी विश्वास नहीं करूंगी ताई, मुझे कुछ नहीं सुनना है। देखो मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना है, कुछ नहीं सुनना है मुझे। मानो प्लीज, ये समय इन सब बातों करने का नहीं है, हम बाद में बात करते हैं, चलो वर्षा। अरे देखो कितना बड़ा तारा है, मतलब कितना चमक रहा है, नहीं? हाँ? कहाँ माना? अरे तुम उधर क्या देख रही हो? मैं वो उसकी बात कर रहा हूँ। मैं तुम्हारा मूड अच्छा करने के लिए बोल रहा था। तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? देखो टेंशन होगी ना तो तुम्हें ही तकलीफ होगी, भूल जाओ ना सब कुछ। मानव, तकलीफ तो वैसे भी हो रही, और कितनी भी कोशिश कर लो ना ये तकलीफ दूर नहीं होने वाली, क्योंकि मैं जानती हूँ आज जो कुछ भी हुआ है ना वो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ मेरी गलती की वजह से हुआ है। आज वर्षी उस बच्चे को अडॉप्ट करके कितनी खुश होती, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मैंने उसे छीन ली, और ये बात अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही है। देखो तुम्हें ये सब भूलना होगा, अगर तुम ऐसे ही अपने आप को कोसती रहोगी ना तो बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा, और ये सही नहीं होगा। नहीं मान, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जानती हूँ आज वर्षो अगर बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पाई तो उसकी वजह मैं हूँ, और ये बात अंदर ही अंदर मुझे खाए जा रही है। मानव जी, जब मैं वर्षो को उस बच्चे की खुशी नहीं दे सकती तो मुझे माँ बनने का कोई हक नहीं। अरे सुनो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है अर्जुन, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तो कहूंगा कि इसमें वर्षा की गलती है। वर्षो की? और क्या, उन लोगों को क्या जरूरत है ये बात कमेटी मेंबर से छुपा के रखने की? अगर वो लोग बता देते तो शायद कमेटी वाले उसको कंसिडर करते, लेकिन नहीं बताए। अच्छा अगर वो बात छुपानी भी थी, वर्षा मुझसे हर बात डिस्कस करती, हर छोटी से छोटी बात बताती है, मुझे बता नहीं सकती थी। ठीक है उसे उस समय ऐसा लगा कि तुमने मुझे बता दिया होता, लेकिन फिर भी एक बार रिमाइंड तो करा सकती थी मुझे, मुझे अंदर ये बात जाके डिस्कस नहीं करनी। तुम्हारी कोई गलती नहीं है अर्चना, कुछ भी गलती नहीं है हमारी, जो भी हुआ अनजाने में हुआ उसको भूल जाओ, तुम सब ठीक हो जाओ। हम लोग बात करेंगे वर्षा से, सतीश से, सबसे बात करेंगे, ठीक है? बस भी करो, कितना रोगे? जब से आई हो तब से रोई जा रही है।
संभालो ऐसा, संभालो अपने आप को। अगर ये आंसू किसी गम का इलाज होते ना, मैं मना नहीं करता, लेकिन ये आंसू ये हालात बदल नहीं सकते। अभी कुछ बिगड़ा थोड़ी ना, हमारे पास टाइम है, अब फिर से कोशिश करें। भगवान पे भरोसा रखो वर्षा, सब ठीक हो जाएगा। चलो मुंह हाथ धो चल के कुछ खा लो, सुबह से कुछ खाया नहीं है ना तुमने, खा ना बेटा। आई तू माने या ना माने, लेकिन मैं सच कह रही कि अब अर्चुता ही बदल चुकी है। हमसे ज्यादा वो दूसरों पर भरोसा करती है, कौन अपना है कौन पराया ना वो सब भूल चुकी है। मुझे क्या पता, मेरे साथ तो हो चुका है, अब वर्षुताई के साथ। अगर ऐसा नहीं है, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? देख तुम्हारे दिमाग में अभी भी वो माधुरी वाली बात है, इसीलिए तो अर्चु को कोस रही है। अर्चु ने ये जानबूझकर नहीं किया है। देख वर्षु, आई बिल्कुल ठीक कह रही है, हर इंसान से गलती होती है, अर्चु से भी हुई। अब वो अपनी गलती मान रही है ना, तो क्या हमें बड़ा दिल करके उसे माफ नहीं कर देना चाहिए? दादा हर चीज की माफी नहीं होती, आप जो कह रहे हो ना उसके हिसाब से तो धर्मेश को भी माफ कर देना चाहिए, क्योंकि उसे भी पछतावा हो रहा है। वो भी कह रहा है कि उसने जो भी किया है वो उसकी माफी मांग रहा है, इसका मतलब क्या हम उसे माफ कर दें? चुप हो जाओ तुम सब लोग, ये वक्त इन सारी बातों का नहीं है। इस वक्त हमें सिर्फ वर्षा के बारे में सोचना है। वर्षा पूरी तरह से टूट चुकी है, किसी भी तरह से हमें उसे इस उदासी से निकालना होगा, उसमें जीने की उम्मीद जगानी होगी हमें। आज पहली बार इस घर की हवा अर्चु और मानव के विरुद्ध बहती हुई दिखाई दे रही है। बस थोड़ी सी गलतफहमी और उन दोनों का इस घर से रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। चल भाई मंजू, लग जा काम पर। मानो आओ ना। बैठो, क्या हुआ आज लेट हो गए? वो दरअसल वो यार, मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। कल जो भी हुआ ना वो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग थी और मैंने जानबूझकर ये सब नहीं किया, सच बोल रहा हूँ। मैं जानता हूँ, दरअसल गलती हमारी थी, हमें मैनेजमेंट से अबॉर्शन की बात छुपानी नहीं चाहिए थी, और अगर छुपाना भी था तो तुम्हें बताना चाहिए था। और बच्चे के आने की एक्साइटमेंट में हम इतने ज्यादा खो गए कि हमें कुछ याद ही नहीं रहा। खैर जो हुआ सो हुआ, तुम्हें गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है, गलती तुम्हारी नहीं है। तुम्हें मालूम होता तो फिर शायद बात इतनी बढ़ती नहीं। खैर एक बात और करनी है, हम इतने मुश्किल दौर से गुजर रहे थे कि अर्चना को भी याद नहीं रहा कि वो मुझे बता दे, और वो मुझे बताने ही आ रही थी वहां पे, लेकिन वर्षा ने जिस तरह से उससे बात करी ना, उसे बहुत बुरा लग रहा है, उसे बहुत गिल्ट हो रहा है। अगर तुम एक बार वर्षा से कह दो कि उससे बात कर ले। मैं कोशिश करूंगा। देखो इतना आसान नहीं है मानो, तुम भी जानते हो, और कल जो भी हुआ वर्षा अभी उससे बाहर नहीं निकल पाई है, अभी वो सदमे में है।
और क्यों ना हो, कहीं ना कहीं उसकी मां बनने की जो ख्वाहिश थी वो खत्म सी हो गई है। खैर मैं बात करूंगा। दिनों के बाद मिले ना माँ। अरे इसे क्या हो गया है? ऐसा क्या सोच रही है कि इसके पास मेरी तरफ नजर उठाकर देखने के तक फुर्सत नहीं है? 10 बार मैं इसके सामने यहाँ से वहां गई, लेकिन ये सचमुच सोच रही है या नाटक कर रही है? और ये अकेली यहाँ क्यों बैठी है? मानव कहाँ गए? ये क्या भगवान का गिरा दिया? आंखें फूट गई है क्या? मेरे सामान सब नीचे गिरा है, कौन देगा उसका पैसा? आंखें मेरी नहीं आपकी फूट गई हैं। जो सामने से आते हुए इंसान को भी नहीं देख पा रही है। गलती है आपकी तो मैं क्यों पैसे दूं? मैं आपके पैसे उसे नहीं देने वाला हूं। एक मिनट के लिए मेरी नजर हट क्या गई? तू कल्टी मार के भाग पड़ा? पैसा कौन देगा बोल? देखिए ये मेरा कॉलर छोड़ दीजिए, मैंने कहा ना मैं पैसे नहीं देने वाला हूं। नहीं मेरे पहले पैसे दे मेरे। देखिए मुझे जाने दीजिए, करने को मैं भी बहुत कुछ कर सकता था लेकिन आपके बुढ़ापे का लिहाज कर रहा हूं। कौन बूढ़ी रे? कौन बूढ़ी? तेरी माँ बूढ़ी। देखिए आप हद पार कर रही हैं, मेरी माँ पे मत जाइए। अरे जा रहे, चिल्लाऊंगी तेरी माँ के नाम से, चिल्लाऊंगी तेरे बाप के नाम से, चिल्लाऊंगी तेरे को मैं बराबर कर दूंगी। मेरा पैसा निकाल, निकाल मेरा पैसा। पैसा दे मेरा। मुझे वर्षा से बात करनी होगी, जब तक वो मुझे माफ नहीं करती मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ठीक कर दो। ये लीजिए अपने पैसे, लेकिन भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए। नहीं चाहिए पैसे, मैं क्या भिखारी हूँ क्या? कमाल की औरत है, ये पैसे नहीं चाहिए थे तो ये झगड़ा किया, टाइम पास के लिए किया? जाना। अरे आ गए तुम? मुझे यहाँ क्यों बुलाया? कुछ बात करनी है आपको? देखो धर्मेश, आज मेरी विनोद से बात हुई, तुमने उसे एक ऑफर दिया है, बस उसी के बारे में मैं तुमसे बात करने आई हूँ। क्या सोचने लगे? यही ना कि ऑफर तो तुमने विनोद को दिया है तो फिर मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? धर्मेश, विनोद वैशु के प्यार में अंधा हो चुका है, वो किसी भी कीमत पर तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि उसकी वजह से उसकी छोटी बहन को कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, ये उसके उसूलों के खिलाफ है। इसका मतलब? मतलब छोड़ो धर्मेश, और चिंता भी मत करो, मैं हूं ना, जितना मेरा पति बेवकूफ है ना उतनी बेवकूफ मैं नहीं हूं। मुझे अपने उसूल अपनी खुशियों से बढ़कर प्यारे नहीं है। मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर है, मैं करूंगी तुम्हारी मदद, फिर से सोचने लगे। विश्वास नहीं क्या मुझ पर? मेरा यकीन मानो धर्मेश, मैं ऐसे हालात पैदा करूंगी कि वैशाली खुद ब खुद चलती हुई
तुम्हारे पास आ जाएगी। हाँ, लेकिन ये सब करके आपको क्या मिलेगा? कैसा बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछा। ये सब करके कोई ऐसा नहीं करूंगी मैं तुम पर, जो भी करूंगी ना उसकी पूरी कीमत वसूल करूंगी। यह वैशाली तुम्हारे पास पहुंचेगी और वह विनोद को तुम्हें उसका जॉब दिलवाना पड़ेगा और साथ ही हमारे बैंड्रा वाले फ्लैट की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, विनोद नहीं तो आप ही सही, मुझे तो मेरा काम होने से मतलब है। हाँ, लेकिन जरा संभल कर, किसी को कोई शक हो गया तो। देखो, उसकी तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभल कर करूंगी। लेकिन एक बात, तुम्हें भी किसी से कुछ नहीं कहना होगा। ठीक है, फिर तय रहा, आप मेरा काम करते रहो और मैं आपकी जरूरतों का ख्याल रखूंगा। ठीक है धर्मेश, अब तुम देखते जाओ कि आगे मैं क्या क्या करती हूँ। चली जाए यहां से, मैं नहीं चाहती कि गुस्से में आकर मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए। और प्लीज माफी माफी मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज मैंने जो खोया है वो तेरी माफी मांगने से वापस नहीं आने वाला। शु, मैं समझ सकती हूँ ताई, प्लीज, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना है। और प्लीज ये हमदर्दी का नाटक मत कर, क्योंकि जो भी हो, जो दुख मैं महसूस कर रही हूँ, तू ना तो इसे महसूस कर सकती है और ना ही उसे कम कर सकती है। जानती है ताई, कितना कुछ सोचा था मैंने, कितने सपने सजाए थे। सोचा था एक बार गलती हो गई है, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं करूंगी। मां बनने का एक और मौका मिला था मुझे, उधार की सही, लेकिन एक खुशियों वाली जिंदगी मिलने वाली थी मुझे, लेकिन तुझसे वो भी नहीं देखा गया। अब मैं जिंदगी भर उस सुख के लिए तरसती रहूंगी, मेरी झोली खाली की खाली रह जाएगी। यही चाहती थी ना तू ताई? हाँ वर्षु, तू गलत सोच रही, मैं तेरी खुशियां क्यों छीनना चाहूंगी। वर्षु, तुझे पता है ना वर्षु, बचपन से लेकर आज तक मैंने हमेशा तेरी खुशियां चाहिए। अगर तू रोती है तो मुझे तकलीफ होती है, तो ऐसा क्यों करूंगी? और अगर फिर भी तुझे ऐसा लगता है कि गलती मुझसे हुई है, तो मुझे एक मौका दे प्रायश्चित करने का, प्लीज वर्षु, तू एक काम कर, तू मेरा बच्चा ले जा। इतना महान बनने का नाटक मत करता है। आज ये जो तू बच्चा सौंपने की बात कर रही है ना, कल जब तू आई बनेगी, तेरा बच्चा होगा, तो इसी बात से तू पल भर में पलट जाएगी। ऐसा नहीं होगा, मैं कैसे, ऐसा ही होगा ताई, मैं जानती हूँ। भाई भाई प्लीज, तू यहां से चली जा, मुझे कुछ बात नहीं करनी है। भूल जा कि वर्षा नाम की तेरी कोई बहन थी, क्योंकि जब तक हम जुड़े रहेंगे, हम दोनों को तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आज इसी वक्त मैं हमारा रिश्ता तोड़ती हूँ। हमेशा हमेशा के लिए।
मां बनने का एक और मौका मिला था मुझे। उधार की सही, लेकिन एक खुशियों वाली जिंदगी मिलने वाली थी मुझे, लेकिन तुझसे वो भी नहीं देखा गया। अब मैं जिंदगी भर उस सुख के लिए तरसती रहूंगी, मेरी झोली खाली की खाली रह जाएगी। ये सब क्या है? ये सब कुछ भी हादसा हो सकता था, चाहे क्या बेवकूफी है। अर्चना, ए अर्चना, क्या हुआ? अर्चना क्या हुआ है? मनोज, मनोज मैं वर्षों से मिलने गई थी। भूल जा कि वर्षा नाम की तेरी कोई बहन थी, क्योंकि जब तक हम जुड़े रहेंगे हम दोनों को तकलीफ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आज इसी वक्त मैं हमारा रिश्ता तोड़ती हूँ। मैंने तुमसे मना किया था ये सब करने के लिए। हाँ मानव, लेकिन क्या? लेकिन क्यों बेकार की बातें सोच रहे हो? मानव, मैंने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वर्षों का चेहरा जब भी मेरी आंखों के सामने आता है ना, तो पता नहीं मैंने वो बदकिस्मती देखी उसकी इस उदासी की वजह मैं हूँ। वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स में सिर्फ मेरी वजह से है मानो। जब तक वो मुझे माफ नहीं कर देंगे ना, तब तक। अरे किस बात की माफी चाहती हो तुम? किस बात की माफी चाहिए? तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, समझ रही हो मेरी बात? जब कोई गलती नहीं की तो फिर माफी किस चीज की मिलेगी? लेकिन मानो, अच्छा एक बात सुनो मेरी, तुमसे बढ़कर मेरी जिंदगी में और कोई नहीं है। हमारा जो बच्चा आ रहा है ना, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर तुम इस तरह से टेंशन लोगी, बिन बात के अपने आप को कोसोगी ना, तो नुकसान हमारे बच्चे को और मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। सॉरी मान, मैं आगे से अपना ख्याल रखूंगी। सब ठीक हो जाएगा, तुम देखना। एक दिन वर्षा को खुद ही पता चलेगा कि वो गलत है। तुम बस टेंशन मत लो, ठीक है?